अच्छा पिकोला गाइस हाय हाँ अंदर का टिकट लगता है। दोस्तों अंदर चले गए ना। हाँ हम लोग अभी आ चुके हैं यहाँ पे लाल किला रेड फोर्ट। फाइनली हम लोग लाल किला के गली में आ गए हैं। गली में आ गए हैं हम लोग। हाँ यहाँ से आप देख रहे हैं लाल किला और बहुत जल्द अंदर प्रवेश करने वाले हैं। बहुत ही एक्साइटमेंट में है। फोटो में तो हम तो सब छोटे फोटो में इसको लगता है कि सब छोटा छोटा होगा। फोटो में तो हमको लगता है कि सब इतना मतलब इतना छोटा नहीं मतलब होगा लेकिन इतना बड़ा बड़ा नहीं पता चला। अब देखने लाइन कितना लंबा है। लाइन देख लाइन टिकट का लाइन है। अब ये लाइन है टिकट का। आप देखो ये आप कितना ज्यादा लाइन में लगा हुआ है टिकट का चुका है लाइन में। एक घंटे में आ जाएगा तुम्हारा नंबर। देखिए यहाँ पे कितना क्राउड है। आज बहुत ज्यादा ही क्राउड है। कुछ ज्यादा ही क्राउड है भैया। ये साइड से कितना विशाल लग रहा है ये लाल किला। ऐसे तो देखने में लगता है कि बस ये छोटा सा दीवार है और चीन की दीवार कहते हैं। बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है। लो हमारा भी दीवार बहुत बड़ा है लाल किला। चलते चलते इतना दूर आ जाते हो भूख लग गई। लाल किला की एंट्री है और यहाँ पे गेट चेकिंग। There is nothing. अब हम लाल किला के एंटर कर रहे हैं। टॉप पड़ेगा भाई बहुत टॉप के साथ फोटो। ये देख सकते हैं तो छोड़ना नहीं आता है तो चलाना आता है मुझे। अब यहाँ से लाल किला गेट की एंट्री अब शुरू हुई है तो देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ कितनी है। खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे वस्तुएं आपको दिखाई देंगे। बहुत ही खूबसूरत इधर आपको डिजाइन डिजाइन के पर्स दिखाई देंगे। इधर आपको चावल पे नाम लिखाना है तो मिल जाएगा आगे यहाँ पे। तो यहाँ से आगे की जर्नी हम लोग की शुरू हुई है चांदनी चौकी। देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड है आज के दिन में और अच्छा भी लगता है। साला महंगा कितना है 500 रुपये का एक यह स्टॉल। काफ़ी महंगा होता है यहाँ पे सारा चीज़। अंदर में सामान लेना बहुत ज़्यादा कीमती होता है यार। तो दोस्तों अब हम लाल किला के अंदर आ चुके हैं और देख सकते हैं आप ये नज़ारा लाल किला का। हालांकि बाहर अंदर इन करने से पहले बहुत ज़्यादा क्राउड लगता है और ये अंदर आने के बाद इतना ज़्यादा स्पेस है कि लगता नहीं है कि हाँ चलो इतना आदमी कुछ लग ही नहीं रहा है। बाहर में बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है। तो हम लोग अब इधर से पहले इधर जाते हैं। चलो देखते हैं। ये है नौबत खाना। नौबत खाना या नक्कार खाना नगारा घर महल परिसर के प्रवेश द्वार के रूप में अवस्थित है। आप गौरव काल में यहाँ वाद्य यंत्र बजाकर बादशाह या अन्य विशिष्ट पदाधिकारियों के दीवाने आम में आगमन की सूचना दी जाती है। देख लीजिए आप ये। हाँ यहाँ पे इतने लोग आते हैं पता नहीं। हम सोचते हैं कि हम लोग ऐसे ही हैं कुछ काम धाम है नहीं फिर भी छुट्टी नहीं मिलता है। इन लोगों को तो कैसे छुट्टी मिल जाता है पता नहीं। ये कब्र है किसका कब्र है ये पता नहीं जो भी हो। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप लाल किला के बाहर बैक साइड का ये व्यू है। आप लोग उधर से रोड दिख जाएगा वो राजघाट सामने जस्ट सामने उधर देखो जस्ट सामने उधर राजघाट के लिए है ना। हाँ। राजघाट के लिए आप उधर से जा सकते हैं और इधर से आप निकल सकते हैं। इधर आते हैं दिखाते हैं आपको।
तो आपने देखा यहाँ से बाहर का व्यू भी दिखाई देता है, काफ़ी अच्छा है। मतलब ये उस टाइम के जो ये राजा महाराजा थे ना, काफ़ी सब कुछ सोच समझ के बनाए हुए थे कि उस टाइम हम लोग के बाद का, इस टाइम का जो हमारा टाइम है, इस टाइम में सब चीज़ साफ साफ दिखे। आप देख सकते हैं ये सब छोटे मोटे कुछ लिखा हुआ है, पता क्या। पहले उन सारे जगहों पे जाने दिया जाता था जहाँ इस बार मतलब आए हैं, तो लगभग नहीं के बराबर जाने दिया जा रहा है। बस एक ही यही बिल्डिंग दिखा है जिसमें यहाँ तक आने का है, इनसे इसमें कुछ है नहीं अंदर, बस ऐसे ही है, सबका खुली है अपना। सब राजा महाराजा, सिपाही, चोर, जितने भी थे सब लोगों के। ये देखिए क्या है, ये शीशे के अंदर, शीशे के अंदर है। तो इधर देख सकते हैं ये शाहजहाँ का ये आसन है, आज कितना भी डिजाइन कर लो इस तरह से नहीं बनाया जा सकता है। अच्छा आसन है इनका, सिंहासन, सॉरी आसन नहीं, सिंहासन। किला पे चल चल के थक चुके हैं, लाल किला से अब हम निकल रहे हैं।